हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जेन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सेट 47। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग रह गए थे 12। क्या दिया है? हाउ मेनी पाउच ऑफ 20 ग्राम क्लोथ्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम 1 kg टू 40 ग्राम ऑफ क्लोथ्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 20 kg 20 ग्राम का एक क्लोथ्स है, ठीक है, और इसमें 1 kg 240 टोटल हमारे पास क्लोथ्स है, तो उसमें कितने पाउच बनेंगे हमें वो पता करना है। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 1 kg 240 ग्राम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम प्लस 240 ग्राम, ये कितना आ जाएगा हमारा 1240 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टोटल क्लोथ्स कितना है 1240 ग्राम, और हमें एक क्लोथ्स का पाउच कितना है 20। हमें पता करना है कि टोटल कितना क्लोथ्स का पाउच बन जाएगा 20 ग्राम का। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1240 डिवाइड बाय 20, ठीक है। अभी यहाँ पर टू डिजिट है, तो हम लोग टू डिजिट से टेबल रीड करेंगे। 20 के टेबल में 12 आएगा क्या? नहीं, तो हम लोग 3 डिजिट ले लेंगे। तो 20 का टेबल ऐसा रीड करना है कि 124 आ जाए या फिर उससे कम। तो 6 टाइम में हम लोग कर सकते हैं रीड, 26 + 120 माइनस 400, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 20 × 2 = 40 कितना आ जाएगा 0। तो टोटल कितने क्लोज बन जाएंगे पाउच 20 ग्राम के, तो 62। आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हाउ मेनी पाउच, तो 62 पाउचेस ऑफ 20 ग्राम क्लोव्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम 1 kg 240 ग्राम ऑफ क्लोव्स। है कि नहीं एकदम सिंपल? उसी तरह हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है, सीमा स्मदर बॉट 2 m 70 cm ऑफ क्लॉथ फॉर अ कुर्ता एंड 2 m 40 cm फॉर अ शर्ट, हाउ मच क्लॉथ डिड शी बाय इन ऑल। अब जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर्स में, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नंबर्स के साथ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था कि हाउ मेनी पाउच बनेंगे हमारे पास टोटल जो दिया हुआ है क्लोथ्स, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला, ऑल टुगेदर, है ना, इन ऑल। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऐड। यहाँ पे दो कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, एक मीटर का और एक सेंटीमीटर का, ठीक है। क्या दिया है, 2 m 70 cm प्लस 2 m 40 cm 0, 7, 4, 11 और 2, 2, 4 हो जाएगा। अब 110 है, तो 110 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को 1 m 10 cm लिख सकते हैं, तो 1 इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, 5 और ये 10, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, हाउ मच, तो कैसे आ जाएगा, देयरफॉर 5 m 10 cm क्लॉथ डिड शी बाय इन ऑल। तो उसने टोटल कितना बाय किया, 5 m 10 cm क्लॉथ, है कि नहीं। डायरेक्टली में आप ऐड कर सकते हैं 2 + 2 = 4, 4, और यहां से 100 cm का कितना आता है, 100 cm = 1 m होता है कि नहीं। तो इसी तरह हम लोग ने 100 निकाल दिया, 1 m हो गया और 10 cm, है कि नहीं। उसी तरह हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है, अ वाटर टैंक होल्ड्स 125 लीटर ऑफ वाटर इफ 97 लीटर 500 ml ऑफ द वाटर इज यूज, हाउ मच वाटर रिमेन इन द टैंक। जैसे अभी 125 लीटर हमारा एक वाटर टैंक है, जिसमें से हमने क्या कर लिया है, 97 500 ml वाटर यूज कर लिया, तो हमारे पास कितना वाटर रिमेनिंग रह जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग कुछ आना मतलब कितना रह जाएगा। जैसे हमारे पास 125 rupees था, उसमें से 97.5 मतलब 97 rupees
50 पैसे हमने खर्च कर लिए तो कितना बचेगा, तो उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे आपके पास 10 रुपीज है, 10 रुपीज में से आप 3 रुपीज स्पेंड कर लिए, कोई चॉकलेट खरीद लिया, कुछ खरीद लिया, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो सेम उसी तरह यहाँ पे लीटर मिली लीटर माइनस कर देंगे हम लोग, वन ट्वेंटी फाइव जीरो जीरो माइनस 97 कितना है 500 मिलीलीटर है कि नहीं। अभी देखो यहां से कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 500 है, तो हम लोग इससे हेल्प ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा 124 हो जाएगा है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट, कन्वर्ट क्या, तो 1 लीटर इंटू किसमें 1000 मिलीलीटर में, तो यहां पे हम लोग 1000 लिख सकते हैं, 1000 हो गया। अभी माइनस कर देंगे तो 0 0 5 500 हो गया है कि नहीं। अब इसमें को माइनस कर देंगे, 4 में से 7 ले जाएगा तो इससे हेल्प लेगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ पे इससे ये कितना हो गया 1 1 इससे हेल्प लेगा 11 11 में से 9 जाएगा तो 2, तो कितना वाटर रिमेनिंग रहेगा 27 लीटर 400 मिलीलीटर। तो इसको लिख लेंगे हम लोग कैसे 27 लीटर 500 मिली लीटर वाटर रिमेन इन द टैंक है कि नहीं, एकदम सिंपल। 15 क्वेश्चन क्या दिया है, हिंदर बॉट 57 केजी 500 ग्राम ऑफ व्हीट फ्रॉम वन शॉप एंड 36 केजी 800 ग्राम ऑफ व्हीट फ्रॉम अनदर शॉप, हाउ मच व्हीट डिड ही बाय ऑल टुगेदर। अभी यहां पर भी देखो क्वेश्चन को कैसे समझना है, हाउ मच व्हीट डिड ही बाय ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब पूरा उसने कितना खरीदा, तो क्या करेंगे एड कर देंगे, कौन से दो अलग अलग यूनिट है, तो एक केजी है तो केजी का कॉलम और एक ग्राम का कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। तो एक शॉप से कितना परचेस किया है 57 500 ग्राम प्लस सेकेंड शॉप से कितना है 36 केजी 800 ग्राम कितना आ जाएगा ऐड कर लेंगे 0 0 8 5 13 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा 13 5 3 8 और 5 3 8 8 और 1 9 है कि नहीं हो जाएगा। अभी 1300 ग्राम है ना, तो उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 kg 300 ग्राम लिख सकते हैं, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 300 ग्राम और ये 94 हो जाएगा है कि नहीं। तो उसने टोटल कितना वीट परचेस किया 94 केजी 300 ग्राम। अब हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे तो कैसे, देयरफॉर 94 केजी 300 ग्राम वीट डिड ही बाय और टुगेदर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक सॉल्व हो गया। इसमें आपको जिसे यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे भी प्लस करना है, तो हमें पता कैसे चलेगा, तो जो क्वेश्चन के लास्ट में पूछा है सेंटेंस वहां पर आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ऑल टुगेदर है, रिमेनिंग है, हाउ मेनी पाउचेस है, या फिर ऑल टुगेदर और इस तरह से अगर मिल रहे हैं वर्ड, तो आपको वर्ड का मीनिंग समझ के फिर उसको समझना है कि उसमें नंबर्स में क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ में अगर आप मेरी तरफ से कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।